देश में कोरोना के मामले 4,40,000 के पार हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,40,215 हो गई। इनमें से लगभग 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,48,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 1,78,014 है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 14,933 नए मामले सामने आए हैं और 312 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है, जहां कुल मरीजों की संख्या 1,35,796 हो गई है, जिसमें 6,283 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 97,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 61,000 से अधिक केस एक्टिव हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 62,000 को पार कर गया है। इस बीमारी के चपेट में आकर 2,233 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 36,000 से अधिक मरीज ठीक हो गए हैं। अभी एक्टिव केसेस की संख्या 23,820 है। तमिलनाडु में भी कुल मरीजों का आंकड़ा 62,000 को पार कर गया है, जिसमें 794 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 27,825 है, जिसमें 1,684 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में अभी एक्टिव केसेस की संख्या 6,232 है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुल मरीजों की संख्या 18,322 हो गई, जिसमें 569 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 6,152 है। वहीं राजस्थान में कुल मरीजों का आंकड़ा 15,000 से अधिक है, जिनमें 356 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 2,966 है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कुल मरीजों का आंकड़ा 14,000 को पार कर गया है, जिसमें 569 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 5,102 है। गौरतलब है कि देश में कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, ऐसे में सरकार को और ज्यादा कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IVN भारत।